मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 2000 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ANM का एक नियमित पद स्वीकृत किया गया। वर्तमान में इन स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उपलब्ध संविदा ANM की पदस्थापना की जाएगी। किराए के भवनों की व्यवस्था कर इन केंद्रों को यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा। मंत्री परिषद ने वन्य प्राणियों द्वारा होने वाली जनहानि और पशु हानि के मामलों में राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। यदि घायल होने के बाद उसकी मृत्यु इलाज के दौरान हुई तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय भी दिया जाएगा। मंत्री परिषद ने विभिन्न सिंचाई योजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के लिए 1513 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य और अऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक होगी। प्रदेश में कम, मध्यम और अधिक जोखिम वाले जिलों का वर्गीकरण कर 5 क्लस्टर निर्धारित किए गए हैं। क्लस्टरों में योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 11 फसल बीमा कंपनी से वास्तविक प्रीमियम दर पर फसल बीमा प्रदान करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मंत्री परिषद ने उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार प्रत्येक जिले के लिए एक कोर्ट मैनेजर और अमले सहित कुल 216 पद का संविदा आधार पर कार्यकाल 31 मार्च 2016 तक बढ़ाया था और नवीन 216 नियमित पद का सृजन किया था। कोर्ट मैनेजर और उनके स्टाफ के नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा संविदा पर कार्यरत कोर्ट मैनेजर और स्टाफ का कार्यकाल 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सिंहस्थ के बारे में भी सभी सम्मानित सदस्यों से चर्चा की, आज वो आप सबके साथ भी प्रमुख लोगों के साथ बैठने वाले हैं ही शाम को। अभी तक 6-7 लाख लोग अपने सिंहस्थ पहुंच चुके हैं, लगातार काफ़ी लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइगर्स की जो मौत हो रही थी आज उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी मौतों की जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डालना चाहिए और जो भी तथ्य हैं सबके सामने आना चाहिए। अगर कोई दोषी है या अपराधी है वो दंडित होना चाहिए। चूंकि ऐसी भ्रम की स्थिति बन रही थी एक सीरीज जैसी, तो क्या कारण है, जैसे ध्यान में आया एक बुजुर्ग हो गया था टाइगर, काफी उम्र हो गई थी। ग्रामोदय से भारतोदय के बारे में अगली कैबिनेट में सभी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिले की समीक्षा के साथ में आना है, ऐसा तय हुआ है। और अगली कैबिनेट की बैठक 27 तक होगी, जब तक उनको सभी को अपने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की अपने प्रभार के जिलों के सभी माननीय मंत्रियों को समीक्षा करनी है। आज औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रेजेंटेशन हुआ। ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा बना है। सीहोर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना प्रारंभ की थी उसके टेंडर मध्य प्रदेश में फ्लोड हो गए, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हुए। जो देश की 11 चिन्हित कंपनियां हैं वो प्रीमियम में हिस्सा ले सकेंगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा विचार भी दिया कि हमारे राज्य की भी एक बीमा कंपनी बननी चाहिए जो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV।